जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप सभी को तुलसी से जुड़े हुए कुछ खास उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लेते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी भी कभी भी आपके घर से रूठ कर नहीं जा पाएंगी। तुलसी जी हर हिंदू घर में अवश्य होती है। सब हिंदू जल चढ़ाते हैं, तुलसी जी को जल सभी चढ़ाते हैं और दीपक भी लगाते हैं। ये सब काम तो सभी करते हैं, लेकिन जब तुलसी जी हरी होती है तभी लोग उनकी पूजा करते हैं। सर्दियों के मौसम में तुलसी जी का पौधा सूख जाता है, सर्दी की वजह से पूरी तरह से सूख जाता है। तुलसी जी सूख जाने के बाद कई लोगों की अलग अलग धारणाएं बन जाती है। कई लोग बोलते हैं कि सूखी हुई तुलसी का पौधा हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए, सूखी तुलसी को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, तुलसी जी का सूखना अशुभ माना जाता है। लेकिन मैं आपको सूखी तुलसी जी के बारे में कुछ खास उपाय बताऊंगी, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बहुत ही अच्छे अच्छे से उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप बहुत ही ध्यान से सुने, और ये उपाय शायद आपने कहीं नहीं सुने होंगे। तो आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। आपको सूखी तुलसी जी के उपाय बताने जा रही हूँ। यदि आपके यहाँ तुलसी जी सूख गई है तो आपको धीरे से इसे निकाल लेना है। कभी भी तुलसी जी के पौधे को आधी सूखी तुलसी के रूप में ना निकालें, ना आधी हरी ना आधी सूखी। जब पूरी सूख जाए तभी आप इसे निकालें। तो आप सूखी तुलसी जी को धीरे से निकालें। और तुलसी जी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व है दोस्तों। भगवान को तुलसी जी के बिना भोग नहीं लगता है। शिव महापुराण के अनुसार कार्तिक माह में यदि आप तुलसी जी का तना ले लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है सूखा हुआ, और यदि आप उसे घिस करके भगवान विष्णु जी को तिलक लगा देते हैं कार्तिक मास में, अगर एक भी बार आपने सूखी तुलसी का पाउडर बनाकर और उसका जो टीका है भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया, तो यकीन माने दोस्तों, आपके पूरे जीवन के लिए हरि विष्णु आप पर कृपा बनाए रखेंगे। और दूसरा उपाय ये है कि जब तुलसी जी सूख जाए तो आप उसको छांव में पूरी तरह सुखा लें और उसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लें। तुलसी जी की पूरी तरह से सूखना बहुत ज़रूरी है और आप हरी तुलसी को बिल्कुल भी ना तोड़ें, क्योंकि यह दोष माना गया है। सूखी तुलसी के छोटे छोटे से टुकड़े करके सुखा लीजिए, या फिर इसे आप मिक्सर में भी पीस लीजिए। आराम से आप देख लीजिए कि आपको मिक्सर में पीसना है या हाथ से पीसना है। उसे पीस कर आपको पाउडर बना लेना है। फिर आप चले जाएं बाजार में, जहाँ पूजन सामग्री मिलती है उस दुकान पर जाकर के आपको गोपी चंदन के नाम से एक चंदन मिलेगा, उसे आप ले आइए, अपने घर लेकर आ जाएं। उसके बाद फिर तुलसी जी के पाउडर को एक साफ डिब्बे में आप भर लें, और फिर उसके बाद जब भी आप पूजा करें तब उस समय वो जो गोपीचंद पाउडर है उसे और घिसी हुई तुलसी को आपको पाउडर को मिला लेना है, और उससे आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को टीका लगाएं। ये बहुत ही शुभ होता है। इनका तिलक आप रोज करें। यदि आपके घर में किसी को नज़र लग गई है, बच्चे या बूढ़े को, या फिर किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो आपको भी उसे ये वाला तिलक अवश्य लगाना चाहिए। आप आराम से अपने पूरे परिवार में सभी को इस तरह का तिलक लगा सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी आप मासिक धर्म में हो तो इसको अपने हाथ से ना छुएं और ना ही लगाएं। आप इसको रोजाना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को जरूर समर्पित करें। इससे आपके जीवन में पूरे दुख समाप्त हो जाएंगे, और इसे अपने माथे पर भी जरूर लगाएं। आप गुस्से वाले व्यक्ति को या चिड़चिड़े व्यक्ति को अगर इसे लगा देते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। बहुत ही असरदार उपाय है। आप जरूर थोड़े दिन में फर्क महसूस करने लग जाएंगे। ये उपाय अगर आप लगातार करते हैं तो शीघ्र ही इसका असर आपको दिखने लगेगा और भगवान हरि विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी भी उनके साथ आएंगी ही। तो आप इस उपाय को जरूर करें। घर में सभी सदस्यों को इसे जरूर लगाएं।
इससे आपके परिवार में हर तरफ से खुशी बनी रहेगी। साथ ही साथ बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। इतना सरल उपाय है ये तुलसी जी का। सूखी तुलसी जी के हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी प्रभाव देखने को मिले हैं। जैसे हरी भरी तुलसी उपयोगी होती है ना, उसी तरह से भगवान तुलसी जी को अगर आप सूखी लकड़ी से भी चंदन लगाते हैं तो वो भी बहुत ही महत्व रखता है। अब मैं आपको एक और छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ, ये भी बहुत ही सिद्ध उपाय है। जब तुलसी जी सूखती है तो उससे पहले तुलसी जी के पत्ते सूख जाते हैं, तो आपको क्या करना होगा, उन पत्तों को उठा ले और साफ डिब्बे में रखते जाए। इन पत्तों को अच्छे से आपको एक बार फिर से धूप में सुखा लेना है, फिर आप इसका पाउडर बना लें और साथ ही साथ उन सूखी लकड़ियों को भी मिला दें। सूखी लकड़ी और सूखे पत्तों का आपको पाउडर बना लेना है। पत्ते वो डंडी सब मिला के पाउडर बना लें। इसे एक साफ डिब्बे में भर करके आप किचन में रख दें। साफ डिब्बे में भर कर किचन में रखने के बाद फिर आप क्या करें, इसे रोज सुबह और शाम के समय में दोनों एक एक जो चीज़ें हैं दोनों को मिला करके पूरे परिवार के सदस्यों को शहद में मिला करके आप खिला दीजिए। इससे आपके शरीर में जितने भी परेशानियां हैं उनसे आपको तुरंत निवारण मिल जाएगा, सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। और घर में अगर ग्रह दोष, कुंडली दोष या कोई भाग्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही फायदेमंद उपाय है। आप सभी की सभी परेशानियाँ पूरी तरह से जो है दूर हो जाने वाली है। और आप तुलसी जी सूख जाएं तो आप उसको हमेशा जल में प्रवाहित करें, लेकिन कभी भी इधर उधर ना फेंकें, जिससे माँ लक्ष्मी आप पर कृपा कभी ना कर पाए। तो आप इन चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें और इन उपायों को अपने जीवन में अपनाएं। वीडियो को सबके साथ शेयर करें ताकि सभी इससे लाभान्वित हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय।